हे गाइस, वेलकम बैक टू राज्यसभा का जो कोर्स है उसके अंदर। और देखिए, इसके अंदर हमने पहले, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया मैंने कि क्या क्या डिस्कस करेंगे। जो भी वीक का, जो भी, जैसे अभी इस वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे 12 नवंबर से 18 नवंबर तक जो भी राज्यसभा के बिग पिक्चर के डिबेट आए हैं। देखिए, चार पांच डिबेट आते हैं मंडे टू फ्राइडे। तो इस पार्ट में तीन तीन जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, दो आर्टिकल क्यों नहीं है, एक तो वर्ल्ड वार वन में जो एक वार मेमोरियल बनाया गया फ्रांस में, उससे रिगार्डिंग था, तो उसको हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं, वो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो एक था वो मिजोरम के इलेक्शन से रिगार्डिंग था, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम डिस्कस करें। तो इस पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे, तीन जो हमारे इश्यूज हैं इनको हम डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए, सबसे पहला यमन में जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके बारे में डिटेल एनालिसिस आया, उसको हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल जो क्राइसिस आए हैं श्रीलंका के, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो है हमारा, कि प्राइवेट सेक्टर जो हॉस्पिटल के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल या मेडिकल में आप बोल सकते हैं, तो उसको कैसे रेगुलेट किया जाए या क्या उसके लिए पॉलिसी होनी चाहिए, वो सब इस पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको कोई भी, देखिए, ऐसा ये नहीं कि आपको रिटर्न फॉर्म में नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको चीज़ें समझाऊंगा, आप उसके अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं भी खुद के अपने नोट्स जो बनाए हैं उसी से आपको समझा रहा हूँ। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाए, क्योंकि बाद में चीज़ें याद नहीं रहती है। मैंने दो बार मेंस दिया यूपीएससी का, तो मुझे पता है कि लास्ट मोमेंट पे इतना टाइम नहीं रहता कि आप सब चीज़ें रिवाइज कर पाएं। तो एक शॉर्ट में आप नोट्स बनाइए, सिर्फ आधे पेज का, एक टॉपिक का आधे पेज पे आप नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा, या उसका भी 1/4 कर सकते हैं। मेजर मेजर हेडिंग आपको याद होनी चाहिए, क्या इशू है, क्या क्या चीज़ें, ताकि आप रिवाइज करेंगे उस समय सब चीज़ें आपको याद रहे। ज़्यादा आपको नोट्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ जो मैं बताऊंगा उतने ही नोट्स बना लीजिए, उससे ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने की जरूरत है। और मैंने भी नोट्स बनाए हैं, मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लास्ट टाइम पे बहुत काम आती है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम यमन क्राइसिस के बारे में देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं यमन कहां पे, ये देखिए वर्ल्ड मैप की अगर हम बात करें तो ये यमन यहां पे, ठीक है, ये यमन है, यहां पे कैपिटल है सना, ठीक है, ये कैपिटल है। और इसके बारे में जो हो सकता है कि इस बार जो है प्रीलिम में क्वेश्चन आए जो यमन के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे 4 साल से ये जो सिविल वॉर चल रहा है, और अब इसके अंदर प्रॉक्सी वॉर भी स्टार्ट हो गया है। हम देखेंगे प्रॉक्सी वॉर क्या है, किसको बोलते हैं, क्यों इस जो यमन की सिचुएशन है वो बिगड़ती जा रही है, क्यों इसका जो है सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो ये देख लीजिए पूरे वर्ल्ड मैप के अंदर, ये अफ्रीका है, ये मिडिल ईस्ट है, और ये मिडिल ईस्ट का ही पार्ट है, ये गल्फ जो ये बोलते हैं गल्फ जो है एरिया भी बोला जाता है इसको, क्योंकि पर्शियन गल्फ है, इसके आसपास का जो एरिया है गल्फ एरिया भी इसको बोला जाता है। ये इंडिया अपना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो मेजर चीजों को ध्यान रखिए, ईरान को याद रखिए, सऊदी अरेबिया जो यमन के बिल्कुल नॉर्थ में है, सऊदी अरेबिया, उसके अलावा याद रखिए आप इजराइल वगैरह को, ये लोकेशन याद रखिए, मैं बार बार आपको यहां पे बताऊंगा। ये रेड सी है, ठीक है, ये रेड सी है, यहां पे गल्फ ऑफ अडेन है, गल्फ ऑफ अडेन, क्योंकि यहां पे एक अडेन सिटी है यमन के अंदर, उसी के नाम पे गल्फ ऑफ अडेन जो है इसका नाम पड़ा है। और ये दिगबूती, ठीक है, डिगबूती जो है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एरिया है यहाँ पे। तो इसको हम डिस्कस करेंगे क्यों ये इंपॉर्टेंट है और क्यों इसके ऊपर इतना जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, राइट। चलिए देखिए, थोड़ा सा छोटा और मैप देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे यमन है पूरा, ठीक है, यमन के अंदर ये कैपिटल है सना, इसको लिखते हैं ऐसे ही है, ठीक है, SANA और फिर कोमा लगा के ए, ठीक है, सना ये कैपिटल है। और ये अडेन है, तो ये गल्फ ऑफ अडेन है, ये बब एल मंदेब, ये मैंने बल्ब जो मंदेब है इसके बारे में मैपिंग के अंदर भी बताया है। और ये देखिए दो कंट्री कौन सी टच कर रही है इसको, एक तो ये है दिगबूटी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यूएस नेवी बेस भी है दिगबूटी के अंदर, और यहाँ पे यमन है। तो यहाँ से जो है काफ़ी ट्रेड होता है, ठीक है, ऑयल का हो गया, गुड्स या सर्विसेज का, गुड्स का जो ट्रेड होता है यहाँ से होता है। और ये रेड सी है, तो यमन है, देखिए लैंड बाउंड्री ऊपर जो टच होती है वो सऊदी अरेबिया है, और इधर की बात करें तो ओमान। तो हो सकता है यमन के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि यमन के साथ कौन कौन सी कंट्री टच होती है, क्योंकि इस समय न्यूज में है ये। अब देखिए क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है ये बताता हूं पहले आपको। यहां पे हाउदी रिबेल्स है, ठीक है, हाउदी रिबेल्स जो है इनके ऊपर अटैक कर रहा है इस समय सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया को मैं ए से लिखूंगा ताकि आप समझ सके। हाउदी रिबेल्स है और सऊदी अरेबिया इन पर अटैक कर रहा है। देखिए रिबेल्स क्या है, देखिए जब कंट्री जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक्चुअली तीन पार्टीज है यहाँ पे, एक तो शिया हो गया, ठीक है, सुन्नी और अलकायदा, ठीक है।
अलकायदा, तो तीन जो पार्टीज हैं इनके बीच में जो है पूरी कंट्री एक तरह से इथनिक और जो है इस पे डिवाइड हो गई है इथनिक इश्यूज के ऊपर। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है इस पूरे आर्टिकल के अंदर, क्यों बताया गया, क्या बताया गया कि यमन के अंदर ये क्राइसिस क्यों आए और क्या रीजन था। तो देखिए सबसे पहले ये कहता है कि अभी क्या हुआ है, रिसेंट क्या हुआ है, सऊदी अरेबिया ने एयर स्ट्राइक्स की हैं, ठीक है, एयर स्ट्राइक्स किए और कहाँ पे करिए मेजर, जो ये हाउदी रिबल्स वाला एरिया है, देखिए हाउदी कंट्रोल्ड एरिया, और हाउदी जो कंट्रोल एरिया है ये एक्चुअली क्या है, ये सिया है, ठीक है। तो ये हाउदी किस में आते हैं, ये सिया में आते हैं, ठीक है, यानी कि सिया जो कम्युनिटी है इनको सपोर्ट करती है, ये सिया को जो है पूरे सिया कम्युनिटी है इसको सपोर्ट करते हैं। सुन्नी के अंदर कौन से आते हैं, सुन्नी के अंदर जो बच गया, ठीक है, साउदर्न पार्ट हो गया, साउदर्न पार्ट में भी आते हैं सुन्नी, उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट हो गया, और थोड़ा सा जो पार्ट है ईस्टर्न पार्ट है इसके अंदर जो है अलकायदा आ गया है। क्योंकि अलकायदा जब एक्चुअली क्या हुआ था, ये डिवाइड क्यों हुआ, इससे पहले जो यहाँ के एक तरह से क्राउन प्रिंस बोल सकते हैं, तो उनके बीच में और जो मिलिट्री चीफ थे इनके बीच में बननी जो है बंद हो गई, और धीरे धीरे रिबेल्स जो है उनको सपोर्ट मिलनी स्टार्ट हो गई, और उनको लगा जैसे, क्योंकि जो पूरा क्राउन प्रिंस थे वो सुन्नी कम्युनिटी से थे, हाउदी रिबेल्स को लगने लगा कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमको प्रॉपर जो है जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, जैसे पूरा आपका अरब स्प्रिंग आया, ठीक है, लीबिया के अंदर आया, जिसके गद्दाफी वगैरह और ये सब जो है सद्दाम हुसैन हटा दिए गए, लेकिन ये धीरे धीरे अरब स्प्रिंग जो है यमन में भी फैला, लेकिन यमन में क्या हुआ, ये मैं थोड़ी हिस्ट्री बता रहा हूँ, इस आर्टिकल में नहीं है, एक्चुअली थोड़ा बड़ा आर्टिकल है ये, तो इसलिए मैं थोड़ा हिस्ट्री बता रहा हूँ। अरब स्प्रिंग में क्या हुआ कि ये यमन वगैरह पे जो है प्रॉपर ऐसा जो स्प्रिंग नहीं आ पाया, इतना जो है रिवोल्ट नहीं आया कि यहाँ के जो है क्राउन प्रिंस वगैरह को हटा दिया जाए, ले इस वजह से क्या हुआ, लोग इथनिक और उसके पूरा जो सेक्ट के अंदर डिवाइड हो गए, सिया सुन्नी और कुछ अलकायदा ने कंट्रोल कर लिया, कुछ ट्राइबल एरिया है जो ट्राइबल्स वगैरह अपना राज करते हैं, तो इस वजह से पूरा कंट्री डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के कारण आपको पता है कि इसका फायदा सारी कंट्रीज उठाती है। अरब स्प्रिंग में भी ये चीज़ देखी, सीरिया के अंदर हमने देखी ये चीज़, सीरिया भी जो है अरब स्प्रिंग के कारण जो है स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे क्राइसिस, लेकिन अभी भी जो है सोल्व नहीं हुए। तो इस तरह के क्राइसिस आते रहते हैं इस एरिया में, और ये क्राइसिस का फायदा उठाती है और कंट्रीज, इस केस में जो है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में प्रोक्सी वार चल रहा है। ईरान चाहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ इस एरिया में मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया चाहता है वो जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इसी को देखते हुए अब सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता है यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, यूके वगैरह सब सपोर्ट करते हैं, ईरान को जो है रशिया सपोर्ट करता है, अभी पूरी आपको पता है सैंक्शंस लगा दी गई है, तो पूरा केस है, मैं इतना समझाऊंगा नहीं पूरा, ताकि आपको ये चीज मैं रोज आपको समझाता हूं, ठीक है, जो एडिटोरियल का जो आता है हमारा कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग गई, क्यों लगाई जा रही है, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील था वो क्या था, तो इतना आपको समझने की जो है वो डेली जो एडिटोरियल की वीडियो आती है उसके अंदर समझ लीजिए आप। अभी क्या हुआ है, सिविल वॉर जो है और बढ़ गया और सऊदी अरेबिया ने और एयर स्ट्राइक्स बढ़ा दिए, ठीक है, हाउदी रिबल्स को खत्म करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, हाउदी रिबल्स पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसके जो फाइटर्स हैं वो गुरीला फाइटर्स हैं, जैसे गुरीला फाइटर्स जो होते हैं ये यानी कि लैंड के ऊपर ज्यादा यानी कि अटैक करते हैं और यानी कि छुप छुप के ये अटैक करते हैं, और जो सऊदी अरेबिया ये एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो एयर स्ट्राइक जो होते हैं प्रिसाइज नहीं होती, यानी कि आप एक जगह अगर एयर स्ट्राइक करी तो यहाँ के आसपास के जो सिविलियन है वो बहुत ज्यादा मारे जा रहे हैं, तो अगर एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग बात करें तो काफी यहाँ पे जो है सिविलियन मारे जा चुके हैं, 10,000 जो है लाइफ लॉस हो चुकी है अभी तक यमन के अंदर। अभी पूरे आर्टिकल के अंदर क्या बताते हैं, अब ये डिस्कस करेंगे, मैंने थोड़ा सा आपको एस्टिमेट दे दिया है, देखिए इतना ही बहुत है, आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अभी क्या हो रहा है, सबसे पहली बात है कि सऊदी अरेबिया ने एयर स्ट्राइक्स की है यहाँ पे, ठीक है, एयर स्ट्राइक्स यहाँ पे की है, और जो यहाँ पे जो ये पूरा गल्फ ऑफ एडेन है, ठीक है, इसको कंट्रोल करना चाहता है सऊदी अरेबिया आने वाले टाइम में। ये कहते हैं जो ये लड़ाई है ये एक्चुअली हाउदी रिबल्स को ख़त्म करने की नहीं है सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी लड़ाई जो है इस एरिया पे कंट्रोल करने की है, क्योंकि इस एरिया से बहुत ट्रेड होता है, ठीक है, ऑयल का ट्रेड हो, नॉर्मल ट्रेड हो, करीबन 15% गुड्स यहाँ से पास होते हैं, 8% ऑयल यहाँ से पास होता है, तो ये कहते हैं इस एरिया जो फ्यूचर कंट्रोल करना चाहता है यूएस और सऊदी अरेबिया मिलके, तो इस वजह से इस एरिया पे जो है यमन के ऊपर इतने क्राइसिस आ रहे हैं। सेकंड बताते हैं कि देखिए ईरान का क्या इशू है, ईरान को क्या लगता है सऊदी अरेबिया को अगर घेरना है, ठीक है, सऊदी अरेबिया को घेरना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ में तो ईरान है ही, ये हम जो मैपिंग में देख चुके हैं नॉर्थ में ईरान है, तो नॉर्थ में ईरान है, और अब अगर सऊदी अरेबिया को घेरना है तो यमन एक ऐसा ऑप्शन बनता है ईरान के लिए, ताकि जो सऊदी अरेबिया को जो साउथ से भी ये घेर सके, तो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं ये यमन को ईरान, ठीक है, तो ये पूरा जो है ये
ये मेजर इशू है। इसके अलावा बोलते हैं कि देखिए ये पूरी जो सिटी है यमन के, जो ये बोल सकते हैं पूरी कंट्री है, ये बहुत स्टारवेशन में जा रही है। और यूनाइटेड नेशन ने भी इवन बोला है कि अगर इस तरह ही वॉर चलता रहा तो यहाँ पे फेमीन आ जाएगा, यानी कि एक तरह से भुखमरी की कंडीशन आ जाएगी और इस एरिया को जो है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में। देखिए अगर बात करें, यहाँ होदीदा पोर्ट है एक, ठीक है, यहाँ पे एक होदीदा पोर्ट है और उस पोर्ट से अगर बात करें तो 80% जो है पूरी फूड सप्लाई जाती है कंट्री की। तो उस पोर्ट पे भी जो है सऊदी अरेबिया कंट्रोल करना चाहता है, जो है होदीदा जो पोर्ट है, मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, काम आएगी, हिंदी में तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है, होदीदा, ठीक है, होदीदा पोर्ट है। उसके अलावा जो गल्फ ऑफ अडेन है, ये वाला पूरा, ये वाला जो एरिया है, उसके अलावा जो रेड सी है और दिगबूटी, ये चार जो एरिया हैं, ठीक है, यहाँ गल्फ ऑफ, जो यहाँ होदीदा पोर्ट हो गया और यहाँ रेड सी, तो इन चार एरिया पे जो है मेजर पिक्चर है जिसको कंट्रोल करना चाहते हैं पूरी जो आपकी वेस्टर्न जो कंट्रीज है। इसके अलावा ईरान, ठीक है, तो इस एरिया पे कंट्रोल करने के लिए यमन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और यमन के अंदर जो है ये कंट्रोल करने के चक्कर में जो है इस तरह के क्राइसिस आ गए हैं। ये बताते थे कि ये क्राइसिस जो स्टार्ट हुए थे, ये जो सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था, ये 2015 में हुआ था। पूरी स्टोरी क्या है 15 की, देखिए बहुत बड़ी स्टोरी है, कैसे जो है वहाँ के क्राउन प्रिंस थे, ठीक है, और उनके अलावा जो मिलिट्री जो चीफ थे, तो उनके बीच में जो है एक तरह से लड़ाई हो गई और इन इन दोनों ने जो है एक तरह से पूरा जो कम्युनिटी को है डिवाइड कर दिया। और इसकी वजह से 15 से जो है अरब स्प्रिंग भी आया, और इसको देखते देखते अरब स्प्रिंग जो है प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया यहाँ पे, यानी कि लोगों ने इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं था कि यमन की जो है सरकार को गिराया जा सके और कुछ डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट लाई जा सके, राइट। तो ये पूरा जो मूवमेंट है ये 2015 से स्टार्ट हुआ और ये कह रहे हैं 4 साल कंप्लीट हो गया। अब मैं वो बता रहा हूँ जो पूरा राज्यसभा के डिबेट में बताया गया। देखिए ये बोलते हैं 4 साल हो गए लेकिन आज भी जो है यहाँ की जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं हो पाई है, यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इतने ज़्यादा आ गए हैं, लोग इतना परेशान है, यहाँ से लोग जो है इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, ओमान में जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं। अब सऊदी अरेबिया को बहुत डर है कि अगर सिविल वॉर ये और बढ़ता जाएगा तो सऊदी अरेबिया में भी जो है जो एक तरह से हाउदी रिबल्स भी एंटर कर सकते हैं और यहाँ का एरिया जो है इस एरिया सऊदी अरेबिया के एरिया में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस वजह से देखिए सऊदी अरेबिया का तो एक कंसर्न इसलिए भी बहुत बड़ा है कि यमन के ऊपर जो है जो अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कौन कर रहा है, यूएस सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद जो है यूके भी सपोर्ट करता है, फ्रांस सपोर्ट करता है, ये काफी कंट्री जो है सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर रही है, राइट। तो इस वजह से सऊदी अरेबिया को पूरा जो है खुले खुले तौर पे एक तरह से छूट दी हुई है कि जो है कितना भी आप अटैक करो। लेकिन अभी क्या हुआ, आपको कमाल जो है जमाल खशोगी, ठीक है, जमाल खशोगी की डेथ हुई, असैसिनेट कर दिया गया उसको आपका टर्की के अंदर, और उसके ऊपर काफ़ी जो है आरोप लगा। तो इसके बाद ही सऊदी अरेबिया पे थोड़ा सा जो है प्रेशर बनने स्टार्ट हुआ है, लेकिन सऊदी अरेबिया पे अब भी इतना प्रेशर नहीं बन पाया। देखिए इतने क्राइसिस आ रहे हैं, सभी जो मीडिया के अंदर धीरे धीरे न्यूज़ आ रही है, लेकिन फिर भी जो है इसको सपोर्ट क्यों नहीं मिल रही, यमन को जो है सपोर्ट क्यों नहीं मिल पा रही, इतनी मीडिया हाईलाइट क्यों नहीं मिल रही, उसके कई रीज़न है। देखिए एक तो ये यूएस लेड पूरा ये मिशन चल रहा है, अगर यूएस चाहेगा तो पूरा मिशन को रोका भी जा सकता है, लेकिन यूएस नहीं चाहता तो मीडिया में भी इतनी चीज़ें जो है दिखाई नहीं जा रही। उसके बाद जो फोकस है वो सीरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, सीरिया पे लोग इतना देख रहे हैं क्राइसिस आ रहा है, यमन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, ऐसा भी जो है आर्टिकल में बताते हैं। ये कहते हैं मेजर जो है सफरिंग वो हो रही है लोकल लोग जो वहां के हैं, जो जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस तरह के वॉर में, उसको बहुत ज्यादा सफरिंग देखने को मिल रही है। और ये कहते हैं कि ये लड़ाई मेजर कुछ लोगों को कुछ लोग जो मानते हैं कि हाउदी रिबल्स और गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई है, ये ऐसा नहीं है, एक्चुअली में प्रोक्सी वार चल गया। प्रोक्सी वार में क्या होता है, दो कंट्री आपस में नहीं लड़ना चाहती, जैसे यूएस हो गया रशिया हो गया, आपस में नहीं लड़ेंगे लेकिन एक और जगह जाके वो किसी कोई ये किसी और को सपोर्ट करेगा, रशिया किसी और को सपोर्ट करेगा, तो इस तरह जो है प्रोक्सी वार चल गया है। और ये बोल रहे प्रोक्सी वार का मेजर रीजन यही है कि जो ये एरिया है दिगपूटी हो गया या अडेन हो गया, या ये जो जो एरिया है जिससे पूरा ट्रेड पास होता है, इस एरिया पे कंट्रोल करना ताकि फ्यूचर में इस एरिया पे कोई इशू ना हो। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि इसलिए जो है इस तरह की एयर स्ट्राइक्स हो रही है जो यमन के ऊपर। तीन देखिए तीन पार्टीज है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, हाउदी रिबल्स हो गए। हाउदी रिबल्स क्या है, हाउदी रिबल्स हैं ये जियादी हैं एक तरह से, ठीक है, ये बोल सकते हैं जियादी सिया हाउदी, ठीक है, इनकी सिया कम्युनिटी ये है हाउदी रिबल्स जो है, और सुन्नी अलग से है, जिसकी गवर्नमेंट है वो सुन्नी कम्युनिटी है, और जो यहाँ पे थर्ड है अलकायदा। तो तीन पार्टी है जिनके बीच में इस तरह का जो है सिविल वॉर हो रहा है, लेकिन इसको बड़े
बड़ी पिक्चर में देखा जाए तो मेजर रीजन है यूएस और ईरान का जो है पूरा जो एक खेल है ये चल रहा है कि प्रॉक्सी वॉर एक तरह से चल रहा है। ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है ये सॉरी कंट्री जो है ये डिवाइड हो गई है पूरी ट्राइबल्स में और सेक्ट के अंदर डिवाइड हो गई है, और ये कह रहे हैं कि जो सऊदी अरेबिया ईरान है इसके प्रॉक्सी वॉर के कारण ही ठीक है ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन पूछते हैं इसके अंदर डिबेट के अंदर क्या इंडिया क्या कर सकता है, तो एक जो पैनलिस्ट है वो बताते हैं कि इंडिया देखिए बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया का जो है यहाँ पे बहुत यानी कि एक प्रॉब्लम यानी कि इंडिया का बेनिफिट क्या है कि इंडिया का यमन के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, हिस्टोरिकल रिलेशन है। यहाँ पे हमारे आपको आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं डायस्पोरा वगैरह बहुत काम करता है, यमन के अंदर भी जाते हैं सर्विसेज देते हैं, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम यमन के आने के कारण जो है इंडिया को इश्यूज क्रिएट हो गए हैं। ये कहते हैं इंडिया कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे पैनलिस्ट बोलते हैं कि हाँ इंडिया कुछ कर सकता है, इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज है उन पर प्रेशर बना सकता है। अब देखिए इसमें बताते हैं कि यूएन देखिए कुछ नहीं कर रहा है, यूएन एक तरह से जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सपोर्ट कर यानी कि जो है इस तरह के इवेंट जो होते हैं उनको रोकनवाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस केस में यूएन भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं निभा पा रहा। तो एक जो क्वेश्चन आता है आपके पास अगर इस तरह का क्वेश्चन प्रीलिम मेंस में आता है कि जो यूएन है या इंटरनेशनल बॉडीज है वो फेल हो गई, तो इसमें यमन का भी एक आंसर में आप डाल सकते हैं, सीरिया का तो डाल ही सकते हैं आप, यमन का भी आंसर में डाल सकते हैं। अब देखिए पूछते हैं इंडिया कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया के रिलेशन है अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आती है यमन के अंदर तो इंडिया को भी काफ़ी इश्यूज इसकी वजह से आएंगे, क्योंकि इंडिया का डायस्पोरा भी यहाँ पे रहता था, इंडिया के रिलेशन भी अच्छे थे, हिस्टोरिकल रिलेशन पीपल टू पीपल कमेंट जो कांटेक्ट है यमन के साथ वो अच्छे थे। इसके अलावा सॉल्यूशंस पूछते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हैं इसके। देखिए कहते हैं देखिए सॉल्यूशन तभी होगा जब अमेरिका और रशिया चाहेगा, क्योंकि रशिया को जो है सपोर्ट करता है, ईरान की सपोर्ट जो है वो रशिया की सपोर्ट जो है ईरान को मिल रही है और सऊदी अरेबिया के यूएस को, तो जब तक यूएस और रशिया नहीं चाहेगा तो ये जो है प्रॉब्लम इतनी आसानी से सोल्व नहीं हो सकती। इसके अलावा बोलते हैं यूएन को भी एफर्ट लेने चाहिए, जो गल्फ काउंसिल है ठीक है गल्फ काउंसिल है जो उसको भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन गल्फ काउंसिल क्या करती है ईरान गल्फ काउंसिल के अंदर नहीं है, तो ईरान को अगर साइडलाइन करोगे तब तक इस एरिया में पीस नहीं आ सकती किसी भी हालत में, क्योंकि ऐसा माना जाता है हाउदी को जो है ईरान ही सपोर्ट कर रहा है ठीक है, ऐसा माना जाता है और कहीं ना कहीं सच भी है। इसके अलावा कहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है फोर्स करना चाहिए इंडिया की तरफ से भी, और ये बोल रहे हैं कि देखिए इंडिया भी चाहता है कि यहाँ पे पीस आए ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि ईरान पूरे सऊदी अरेबिया पे अगर कंट्रोल करना है तो उसको ये इस एरिया पे कंट्रोल करना चाहते हैं। ये काफ़ी एंगल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डाइमेंशंस हैं, आपको पता होना चाहिए पूरा एक बड़ा पिक्चर क्या है। देखिए इंडिया को आपको पता होगा कि 2015 में इंडिया ने जो ऑपरेशन भी चलाया था, एक ऑपरेशन राहत ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे इंडिया के कुछ लोग थे उनको निकाला था यहाँ से, जो हमारी आर्मी है उसने ठीक है आर्मी ने निकाला था, तो ऑपरेशन राहत के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये पूरा डिबेट है, पूरा जो इशू है वाइडर पिक्चर है जो मैंने आपको समझा दी ठीक है। सेकंड है देखिए श्रीलंका के क्राइसिस से रिगार्डिंग, देखिए श्रीलंका के क्राइसिस क्यों हुए हैं इसका रीजन मैं बताता हूँ। ये है वहाँ के प्रेजिडेंट ठीक है सिरिसेना, ये है राजपक्षा जो पहले प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये दो दो ढाई साल पहले ये इलेक्शन जब हुआ तो ये हार गए ठीक है, एलटीटी पे पूरा विजय इन्होंने पाई थी राजपक्षा ने, और काफ़ी टाइम से ये प्रेसिडेंट थे लेकिन ये हार गए, और ये प्राइम मिनिस्टर अभी प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर थे विक्रमसिंघे। तो तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए, सिरिसेना प्रेजिडेंट, विक्रम सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अभी जो है रिसेंट प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया इन्होंने सिरिसेना ने राजपक्षा को ठीक है। अब पूरा डिबेट क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए 2015-16 के आसपास जब ये इलेक्शन हुआ था तो राजपक्ष जो थे प्रेसिडेंट थे, लेकिन जो सिरिसेना है विक्रम सिंह है इन्होंने दोनों ने मिलके जो है राजपक्ष को हरा दिया, तो ये प्रेसिडेंट बने ये पीएम बने ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ रिसेंट सिरिसेना को लगने लगा कि विक्रम सिंह शायद मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हैं, रॉ की हेल्प ले रहे हैं या ऐसा इनको लगने लगा, तो इन्होंने क्या करा विक्रम सिंह को जो है गद्दी से हटा के और जो राजपक्ष है इनको जो है गद्दी पे बैठा दिया प्राइम मिनिस्टर की। इसके बाद पूरा इवेंट स्टार्ट हुआ, क्योंकि देखिए 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुआ था, श्रीलंका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट ये हुआ था कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको हटाया नहीं जा सकता, या तो प्राइम मिनिस्टर खुद ही हटे या जो पार्लियामेंट के अंदर नो वोट कॉन्फिडेंस पास हो उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर हटाया जा सकता है, लेकिन सिरिसेना ने क्या किया अपनी पावर का यूज करते हुए विक्रमसिंघे को हटा दिया। अभी देखिए अब नॉर्मल आप नेट पर देखेंगे तो विक्रमसिंघे भी प्राइम मिनिस्टर अभी राजपक्ष
भी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो सिरीसेना ने क्या करा, राज्य पक्षा को जो है सीट पे बैठा दिया, तो पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हो गए और पूरी जो कम्युनिटी में ये माना जाने लगा कि जो सिरीसेना है, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने गलत किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उल्लंघन किया है। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो है वो नो वोट कॉन्फिडेंस होगा पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो एक तरह से दोनों पार्टीज के खिलाफ जो है इस तरह का इवेंट होगा और 16 नवंबर का टाइम दिया गया। लेकिन फिर से क्या किया इन्होंने, पूरा जो है पार्लियामेंट को एक तरह से डिसॉल्व कर दिया और बोला कि अभी इलेक्शन दोबारा होंगे। इसी बात पे जो है ये जो विक्रम सिंघे है ये गए जुडिशरी के अंदर, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला कि देखिए दोबारा इलेक्शन बाद की बात है, लेकिन अभी जो है वो जो पार्लियामेंट है उसको जो है डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, और जो इनका ऑर्डर था कि दोबारा इलेक्शन हो प्रेसिडेंट का, उस ऑर्डर को जो है एक तरह से इन्होंने खारिज कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा इवेंट था। अभी देखिए बोलते हैं, अब डिबेट आता है, डिबेट के अंदर पूछते हैं कि देखिए अभी कौन कंट्रोल कर रहा है, तो एक एमिनिस्ट ये पैनलिस्ट बताते हैं कि अभी कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, एक्चुअल कंट्रोल अभी थोड़ा बहुत जो है प्रेसिडेंट के पास ही है, और जो है ना राजपक्षा के पास कोई कंट्रोल है ना विक्रम सिंह है। और ये बोलते हैं कि वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है या कोई भी जो ऑफिस में है इस समय, उनको भी कन्फ्यूजन है कि किसकी कमांड लेनी चाहिए, क्या विक्रम सिंह की कमांड माननी चाहिए या राजपक्षा की कमांड मांगनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए बोलते हैं कि ये मैंने पूरा डिबेट बता दिया, उसके अलावा देखिए ऐसा भी न्यूज़ निकल के आई थी कि सिरीसेना ने ये बोला कि इंडिया की जो रो है वो मुझे मरवाना चाहती है, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। लेकिन बाद में इन्होंने क्लैरिफाई किया कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, विक्रम सिंघे ने भी बोला ऐसा कुछ नहीं है। और एक और देखिए ट्विस्ट वाली बात है कि ऐसा माना जाता है कि जो विक्रम सिंघे है ये इंडिया के फेवर में जो है काफ़ी इंडिया के फेवर में रहते हैं, सिरीसेना भी पहले थे, लेकिन राजपक्षा को जैसे ही अपॉइंट किया तो चाइना ने जो है इनको फेवर किया, इन्होंने जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया राजपक्षा, क्योंकि चाइना के बहुत फेवर में रहते थे। लेकिन इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया ने अभी कुछ नहीं बोला, इंडियन देखिए बोला है कि हम पॉलिटिकल सिचुएशन को देख रहे हैं और हम उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे बाद में आने वाले टाइम में, अभी उन्होंने इंडिया ने जो है कोई कमेंट नहीं किया किसी भी तरफ, राइट। अब ये बोलते हैं कि देखिए प्रेसिडेंट का मैंने बता ही दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ था कि विक्रम सिंघे को नहीं हटा सकता, लेकिन जो है इसका उल्लंघन हुआ और इसका जो है काफी क्रिटिसिज्म हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का गलत यूज किया है वहां के प्रेसिडेंट ने, ठीक है। तो पूरा मैंने इश्यू बता दिया। अभी क्या है, देखिए राजपक्षा को क्यों इन्होंने अपॉइंट किया, सिरीसेना को यह लगने लगा कि अभी प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, राजपक्षा को काफी सीट मिली। इसका रीजन क्या है कि जो वहां के लोग हैं वो विक्रम सिंघे से इतने खुश नहीं थे, क्योंकि वहां पे जॉब्स जो है इतनी निकल नहीं रही है, जॉब्स के जो लोग जॉबलेस है, टूरिज्म सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, काफी पोर्ट सिटीज वगैरह जो है डेवलप करनी थी वो भी नहीं हुए, एयरपोर्ट सिटीज जो है वो भी डेवलप नहीं हो पा रही है जो है, तो इकोनॉमी जो है बहुत खस्ता हालत में है श्रीलंका की। इसको देखते हुए लोग काफी अगेंस्ट थे विक्रम सिंघे के, तो इसी चीज को देखते हुए जो है इन्होंने इनको लगा सिरीसेना को कि राजपक्षा को अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन देखिए लोग जो है राजपक्षा के साथ भी नहीं है, लोगों को लगता है कि ये जो डिसीजन हुआ है ये गलत हुआ है। तो एक इनसे पूछते हैं, एक एमिनिस्ट जो है पैनलिस्ट जो है एमिनेंट पैनलिस्ट, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हुआ है या क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए। वो बोलते हैं कि देखिए अगर हम बात करें तो श्रीलंका के अंदर काफी अच्छे से जो है डेमोक्रेसी काम करती है, आज से नहीं बहुत पहले से ही बोल रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि पावर ट्रांसफर बहुत इजीली हो जाता है, जैसे राजपक्षा हारे तो पावर ट्रांसफर इजीली हो गया, विक्रम सिंघे जीत गए, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बार जो है इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखने को मिले हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिले हैं। लेकिन इस पर भी ये बोलते हैं कि जुडिशरी वहां की, देखिए जुडिशरी की जो चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट जो है ये प्रेजिडेंट ने ही किया था, तो लोगों को लग रहा था शायद जुडिशरी भी फेयर करेगी सिरीसेना को, लेकिन ऐसा जुडिशरी ने नहीं किया, जुडिशरी ने भी फेवर जो ये किया कि स्टे लगा दिया इनके ऑर्डर पे, ठीक है, और बोला कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है या कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास होना चाहिए, और एक तरह से जो इनके डिसीजन थे उस पे स्टे लगा दिया। अभी तो जो आगे होगा वो बाद की बात है। तो देखिए बोलते हैं कि फाइनल जो है एक तरह से नेकेड स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक नेकेड स्ट्रगल देखने को मिल रहा है पावर का, ठीक है, पावर के बीच में पावर पाने के लिए किस तरह का स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक इश्यूज भी काफ़ी, जो श्रीलंका की जो इकोनॉमी बहुत अच्छे हालत में नहीं है और काफ़ी प्रॉब्लम है। अब फाइनल आता है इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए एक पैनलिस्ट बोलते हैं कि इंडिया पे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। सबसे पहले तो हमारी इंडियन जो रॉ एजेंसी है उसको ब्लेम किया गया, इसके अलावा बोलते हैं तमिल इशू जो है हमारा काफ़ी जो कंसर्न रहता है तमिल इशू से, तो वो भी जो वो इशू बहुत बड़ा है। सिक्योरिटी इशू इंडिया का बहुत बड़ा है, क्योंकि जो बिल्कुल नेबर कंट्री है तो सिक्योरिटी इशू तो नॉर्मल सी बात रहेगा। हमारे काफ़ी जो है इकोनॉमिक जो है जो हमारे इकोनॉमिक पोर्ट्स वगैरह को डेवलप करने के जो हमारे पूरा प्रोसेस चल रहा था वो भी कहीं ना कहीं रुक गया, पोर्ट्स हो गया, एयरपोर्ट हो गया, काफ़ी हाउसेज भी बना रहे हैं। देखिए ऐसा माना जाता है कि पहले जो है, और ये सच्चाई भी है कि इंडिया जो है तमिल एरिया
ठीक है, तमिल एरिया के। अगर ये श्रीलंका का आप मैप ऐसे देखेंगे, ठीक है, ये श्रीलंका का मैप ऐसे है, तो ये नॉर्थ और ईस्टर्न जो पार्ट है यहाँ पे तमिल रहते हैं, और ये पूरा बचा हुआ पार्ट में मेजोरिटी में सिंगलीज रहते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट पे जो है इंडिया हमेशा कोशिश करता था यहाँ पे हाउसिंग वगैरह देना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, लेकिन अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो सिंगलीज है इनको भी खुश करने के लिए इंडिया जो है यहाँ भी इन एरिया में भी हाउस डेवलप कर रहा है, पोर्ट सिटी, एयरपोर्ट वगैरह डेवलप कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के स्टैंड में चेंज आया, लेकिन अगर इस तरह के इशू आते तो इकोनॉमिक जो इंडिया का जो इकोनॉमिक इस तरह डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे थे उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। आखिरी में पूछते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो ये बताते हैं कि देखिए वे फॉरवर्ड यही है कि दोबारा इलेक्शन हो, क्योंकि इस तरह बीच में जब प्रॉब्लम चलती रहेगी तो किसी को लगेगा मैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हूं, दूसरे के लोगों को मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। फाइनली ये बोलते हैं कि इलेक्शन ही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट है, देखिए मेडिकल से रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है, और इस आर्टिकल में देखिए क्या डिस्कस करते हैं मेजर, कि प्राइवेट सेक्टर को कैसे रेगुलेट किया जाए, ये बताते हैं। देखिए इशू ये क्यों आया है, अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, दिल्ली गवर्नमेंट एक तरह से नया जो है लॉ फॉर्मुलेट करना चाह रही थी कि जो वहाँ की प्राइवेट सेक्टर है उसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा माना जा रहा था। अभी रिसेंट क्या हुआ, एक हॉस्पिटल के अंदर एक जो है एक प्रेग्नेंट लेडी ने एक बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे को जो है हॉस्पिटल के जो डॉक्टर से उन्होंने डेड घोषित कर दिया, लेकिन बाद में पाया कि बच्चा तो जिंदा है। तो यानी कि एक और जो है क्राइसिस क्रिएट हो गया यहाँ पे दिल्ली के अंदर। तो इसी के ऊपर जो गवर्नमेंट ने बोला कि प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया जाएगा, और इसके रेगुलेशन के लिए जो एक कमेटी बनाई गई, लेकिन कमेटी के जो जो ड्राफ्ट बन के आया वो अच्छा नहीं था। तो इसी के ऊपर पूरा डिबेट एक पूरा चलता है, ये जो राज्यसभा का डिबेट है, ये बोलते हैं ये ऐसा इशू क्यों आ रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रॉपर पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट नहीं कर पा रही है, कि जो प्राइवेट सेक्टर जो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं इनको रेगुलेट क्यों नहीं कर पा रही, इनके अंदर क्या-क्या इशू है, ये पूरा इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बताते हैं, देखिए एक पैनलिस्ट बताते हैं कि देखिए जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो अगर कोई भी यूनियन गवर्नमेंट कोई भी जो बिल विल पास करती है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट को भी पास करना होता है, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको पास नहीं करती, ये बोलते हैं क्योंकि हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है, तो सब्जेक्ट अगर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती उस बिल को पास करना तो वो नहीं करती है, तो इस केस में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, इस वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो रेगुलेट नहीं हो पाता। अब देखिए बताते हैं कि पूछते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या इशूज हैं, देखिए बताते हैं प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी इशू है, एथिक्स इशू बहुत बड़ा है, यानी कि डॉक्टर्स जो है एथिकली काम नहीं करते, वो सिर्फ जो है पैसा कमाना चाहते हैं, यानी कि ऐसी जगह प्रिस्क्राइब करेंगे आपको टेस्ट करने के लिए, वहाँ से भी उनको प्रॉफिट मिलता है, मेडिसिन कहीं स्पेसिफिक बोलेंगे कि वहीं से लेनी है तो वहां पे भी उनको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा बोलते हैं कि जो कॉस्ट है, यानी कि कोई भी बीमारी होती होती है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कोई भी एमआरआई हो या फिर कोई भी नॉर्मल बीमारी हो या फिर सर्जरी वगैरह हो, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है इंसान को। सबसे बाद उसके बाद कहते हैं कि जो ये कुछ इश्यूज हैं, इसके बाद बताते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये मोस्टली बिजनेसमैन जो हैं उनके द्वारा जो है स्टार्ट किए गए हैं, तो बिजनेस जो मैन है जिसने ये पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल बनाया है तो इसका तो मेजर पर्पज क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग। तो इस केस में भी जो है एक तरह डायलमा होता है, डॉक्टर अगर अच्छा भी करना चाहे तो भी उसको प्रॉफिट जो है बनाना पड़ता है, हॉस्पिटल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिन वो पेशेंट को रखता है। उसके बाद क्या है कि बहुत एक और इशू निकल के आता है कि जो काफ़ी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर जो है ट्रेनिंग नहीं होती, बहुत से गए तो जैसे झोला छाप जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे डॉक्टर्स जिनको जिन्होंने कोई डिग्री नहीं ली, अननेसेसरी जो है डॉक्टर का जो है काम कर रहे हैं, और ऐसा भी केस देखने को मिला दिल्ली के अंदर, 15 साल एक इंसान 12 या 15 साल से काम कर रहा था डॉक्टर का, और उस केस में जो है एक इंसान की डेथ भी हो गई, ठीक है, उसको जो डेथ होने के कारण जो है जब उसको पता चला तो ये असली में डॉक्टर था ही नहीं, इसने कोई ऐसी कोई डिग्री ली नहीं थी, फर्जी की डिग्री बनवाई हुई थी। बहुत बार ये देखा गया है कि कोस्ट इतनी ज़्यादा जो है इंप्लीमेंट कर दी, यानी कि लगा दी जाती है। एक डेंगू का केस इन्होंने बताते हैं 40s गुड़गांव के अंदर, यानी कि 15 लाख जो है सिर्फ डेंगू के कॉस्ट के ले लिए इन्होंने या डेंगू होने के। तो देखिए किस तरह जो है एक तरह से मनमानी चल रही है प्राइवेट सेक्टर की, ठीक है। तो ये काफ़ी इश्यूज बताते हैं, ये बताते हैं कोई रिड्रेशल सिस्टम नहीं है, यानी कि कोई भी अगर किसी जो यानी कि जो पेशेंट होता है उसको प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर पे जाता है और उसके बाद उसको प्रॉब्लम, तो रिड्रेशल सिस्टम नहीं है जहाँ पे जाके वो केस फाइल कर सके, उसको फाइनली कोर्ट में ही जाना पड़ता है, और कोर्ट का आपको पता ही कितना जो है जो प्रॉब्लम ऑलरेडी इतनी ज़्यादा चल रही है।
अब देखिए सॉल्यूशन पूछते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस चीज़ के, कैसे जो है पूरे इश्यूज से डील करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कहते हैं ये देखिए जो पैनलिस्ट हैं बोलते हैं कि एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर है उनके बीच में बैलेंस बनेगा तभी जो है कुछ काम हो सकता है, जब तक बैलेंस नहीं बनेगा। ये कह रहे हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर तो बढ़ता जा रहा है लेकिन पब्लिक सेक्टर जो है इतना ग्रो नहीं कर रहा है। हॉस्पिटल्स के अंदर देखें, गाँव में आप आज भी लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में ही जाना पसंद करते हैं, पब्लिक जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें नहीं जाना चाहते। इसके अलावा बोल रहे हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं, ठीक है, PHCs, इनको स्ट्रोंग करने की बहुत ज़रूरत है। एक इंसान ये नहीं कि हर बार जो है शहर में जाएगा वो बड़े हॉस्पिटल में जाए, प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर्स हैं इनसे ही ये अगर दवाई वगैरह ले लेगा तो काफ़ी प्रॉब्लम यहीं सोल्व हो जाती है। ये कहते हैं एक पॉलिसी बताते हैं, देखिए अलग अलग पॉलिसी बताती है। ये कहते हैं यूके में क्या है, यूके में क्या है, प्रैक्टिशनर जो होते हैं अलग अलग प्रैक्टिशनर होते हैं, करीबन 22 तरह के प्रैक्टिशनर है जो कैसे ये प्रैक्टिस कैसे करते हैं कि अलग अलग बीमारियों के लिए, यानी कि ये अलग अलग प्रैक्टिशनर होते हैं। तो अगर ये डिजाइंड होगा कि इस तरह के प्रैक्टिशनर हो गए, हमारे यहाँ पे क्या होता है सिर्फ जो MBBS पास करेगा वही जो है दवाई दे सकता है, वही जो प्रॉपर एक डॉक्टर की फील्ड में आ सकता है, उसके अलावा जो है लोकल जैसे कुछ जिनको थोड़ी भी नॉलेज है वो नहीं आ सकते। तो ये बोल रहे हैं इस तरह के जो है एक अलग से ट्रेनिंग देनी चाहिए, कुछ ऐसे जो है डॉक्टर्स यानी कि इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए जो सिर्फ छोटी मोटी बीमारी को लेके प्रिस्क्रिप्शन दे सके और दवाई वगैरह दे सके। तो इससे क्या होगा जो सिर्फ ये नहीं कि MBBS पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा, ताकि इनको जो है प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। ये कह रहे हैं देखिए अभी एक क्लिनिकल, ये जरूरी है याद करना आपको, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, रेगुलेशन एक्ट आया था 2010 में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया, पार्लियामेंट में पास हुआ, लेकिन जो है स्टेट गवर्नमेंट ने ये पास नहीं किया। ये कह रहे हैं करीबन अभी भी 10-11 स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने ये पास किया है, यानी कि सब स्टेट गवर्नमेंट ये पास नहीं हुआ है। ये बोल रहे हैं इस जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन एक्ट है इसके अंदर बहुत अच्छी प्रिस्क्रिप्शन दी हुई है कैसे जो प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया जाए, क्यों वो इतनी फीस ले रहे हैं, कैसे जो है जो कॉस्ट है वो फिक्स करनी चाहिए, दवाइयों की कॉस्ट हो गई या फिर कोई भी सर्जरी या सबकी कॉस्ट जो है फिक्स करनी चाहिए, वो सब चीज़ इसके अंदर दी गई है। और अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो जो है डॉक्टर को भी सजा दी जाए, यानी कि पूरे प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट नहीं करती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं रिलेक्टेंट रहती है, ब्यूरोक्रेसी है वो भी रिलेक्टेंट रहती है, तो ऐसा ये बताते हैं। इसके अलावा ये बताते हैं देखिए गवर्नमेंट ने अभी आयुष जो स्कीम जो है स्टार्ट करने की बात कही, ठीक है, आयुष स्कीम के अंदर ही बोला कि आयुष जो है प्रैक्टिशनर होंगे, यानी कि जो सिर्फ यानी कि छोटी मोटी बीमारियों के लिए जो है प्रिस्क्रिप्शन देंगे और गांव में जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में उनको जाके वो प्रैक्टिस करेंगे और वहां पे जाके वो छोटी मोटी बीमारियों को ध्यान देंगे। इसके अलावा देखिए एक और इशू ये बताते हैं कि सबसे बड़ा इशू क्या है, हमारे यहाँ पे प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है, यानी कि बीमारी होने के बाद जो है उसको सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ है या कोई और डिजीज़ है उनकी प्रिवेंशन करने की बहुत ज़रूरी है। ये कहते हैं ना जैसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो उसी तरह बीमारी को पहले ही प्रिवेंट कर दिया जाएगा तो अपने आप ये जो बीमारियां कम होंगी। तो इसलिए बताते हैं कि प्रिवेंशन पे इंडिया में ध्यान नहीं दिया जाता जो देना चाहिए। इसके अलावा कुछ मॉडल्स बताते हैं, देखिए कनाडा का मॉडल है और ठीक है और यूके का मॉडल, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स है, तो आप भी इसके अंदर कुछ कुछ मॉडल्स बता सकते हैं। जैसे क्या बता सकते हैं, एक तो प्राइवेट सेक्टर में जाए तो जो है कॉस्ट फिक्स होनी चाहिए, कितनी कॉस्ट लगेगी इंसान जो है पता कर सके, उसके स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स जो है वो फिक्स होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या होना चाहिए, जो दवाई वगैरह के रेट हैं ये भी फिक्स होने चाहिए, ठीक है, इससे क्या होना चाहिए। और ये बोलते हैं कॉस्ट इनकी दवाइयों की वगैरह की भी फिक्स होनी चाहिए, कितना 10% या इतना ही प्रॉफिट लेना चाहिए, इसके अलावा जो है प्रॉफिट नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा क्या बताते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर मैंने बता ही दिया स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। इसके बाद जो है गवर्नमेंट भी रीइंबर्स कर सकती है, देखिए कहीं कहीं पर क्या मॉडल है कि आप जाइए कोई भी बीमारी होगी आप जाके, एक सेकेंड में चार्जर लगा लेता हूँ। देखिए दूसरी कंट्रीज में क्या होता है कि आप जाइए वहाँ पे जो है इलाज कराइए, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ही रिइम्बर्स करेगी पूरा पैसा आपका, ठीक है। आप अपना फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट को दे दीजिए कि मुझे ये बीमारी थी, गवर्नमेंट को आपने सपोज कीजिए 1 लाख रुपए दे दिया किसी सर्जरी का, लेकिन गवर्नमेंट आप प्राइवेट को कितना देगी वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करेगी, ठीक है। तो आपको प्राइवेट सेक्टर में पैसा देना ही नहीं। इंश्योरेंस स्कीम बहुत अच्छी अच्छी है, बहुत सी जगह इंडिया में इस तरह की इंश्योरेंस स्कीम्स नहीं है, ठीक है। तो ये काफ़ी इश्यूज़ ये बताते हैं। इसके अलावा बताते हैं और क्या करना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उनको सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन इनका होना चाहिए, ताकि खुद से ही ये जो है प्रॉपर काम करें, ना कि जो है इश्यूज इस तरह क्रिएट हो। उसके बाद ये बताते हैं ट्रेनिंग भी होनी चाहिए इनकी, जो है एथिकल इश्यूज पे भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये बताते हैं कि एक इग्नू के अंदर कोर्स भी स्टार्ट हुआ है, एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग कोर्स स्टार्ट हुआ है, ताकि जो है ट्रेनिंग इनको दे एथिक्स के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर, एप्टीट्यूड के ऊपर, ताकि जो है इनका थोड़ा माइंडसेट चेंज हो, ठीक है।
और पीएचसीज और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स प्लस वेलनेस सेंटर हैं, इन पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इसके बाद बताते हैं यूनियन गवर्नमेंट जो है और स्टेट गवर्नमेंट को भी एक तरह से कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, तभी जो है हेल्थ सेक्टर जो है अच्छे से काम कर सकता है। इसके अलावा बताते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बढ़ाने की ज़रूरत है। ये कहते हैं हम सब 1% से भी लेस जो है जीडीपी जो हमारी है जो हेल्थ के अंदर जाती है, तो इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है जिसपे आप देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया हेल्थ के ऊपर, ठीक है, बहुत सा पैसा हेल्थ और एजुकेशन पे ही लगाया, तो वहाँ का इंप्रूवमेंट जो है आने वाले टाइम में दिखेगा भी। इसके अलावा देखिए कहते हैं कि जब कोई भी कमेटी वगैरह बनाई जाती है तो उसके अंदर जो है पेशेंट वगैरह को भी एक तरह से स्टेक होल्डर रखना चाहिए। कोई भी आप कमेटी बनाते हैं, कोई भी रेगुलेशन लगाते हैं, तो पेशेंट भी अगर उसके अंदर रहेगा तो वो अपनी प्रॉब्लम बता सकता है। अब ये कहते हैं एक फाइनल एक एक इशू और ये पूछते हैं कि क्यों इस तरह के जो है जो प्राइवेट सेक्टर को जो है रेगुलेट करने की जरूरत है। ये कहते हैं कि ये आज आज से नहीं, हम बहुत दिनों से ये चीज देखते आ रहे हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है प्राइवेट सेक्टर जो है कितना जो है लोगों को तंग कर रहा है। गौर कर ये कहते हैं कि रोज रिपोर्ट्स मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं कि कितना जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, चाहे कॉस्ट से रिगार्डिंग हो, चाहे अनएथिकल इश्यूज हो, ठीक है, या जो अननेसेसरी हैसल्स क्रिएट होते हैं। क्योंकि आज भी अब अगर आप सरकारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पे आपको एक एक महीने तक जो है सर्जरी की डेट्स नहीं मिलेंगी, ठीक है, एक एक महीने तक। तो ये इनके कारण जो है प्राइवेट सेक्टर बहुत ग्रो हो गया। एक चीज और ये बताते हैं कि देखिए कहते हैं आजादी के टाइम जो है बहुत कम प्राइवेट सेक्टर्स थे, ठीक है, जो है पब्लिक सेक्टर बहुत थे, लेकिन आज क्या हुआ प्राइवेट सेक्टर में जो है हॉस्पिटल बहुत आ गए हैं और पब्लिक सेक्टर में कम होते गए हैं, और जो क्वालिटी है प्राइवेट सेक्टर में काफी इंक्रीज तो हुई है लेकिन नेग्लिजेंस भी जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारे इश्यूज जो है यहाँ पे डिस्कस किए गए थे। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, सबसे पहली बात एथिकल अनएथिकल इश्यूज क्रिएट हुए हैं, करप्शन वगैरह देखने को मिलता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, 70% जो ओपीडी है वो आज प्राइवेट सेक्टर में ही जाके लोग जो है ओपीडी कराते हैं। आज जो है सरकारी जो है हॉस्पिटल में लोग कम जाना पसंद करते हैं जबकि काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं सरकारी में भी। जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन एक्ट है 2010, उसको भी स्टेट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट नहीं किया है। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल जो कि राज्यसभा जो लोकसभा के और राज्यसभा में पेश किया गया लेकिन जो है उसको पास नहीं किया गया, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने बता ही दिया कि आयुष स्कीम जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर को जो है अच्छा करने की बात हो रही है, या आयुष प्रैक्टिशनर है, ठीक है, जो प्रैक्टिस करते हैं आयुष के अंडर, उनको भी और ट्रेनिंग और अच्छे से जो ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में वो अच्छे से काम कर सके। इसके अलावा जो MBBS का कोर्स है इसके अंदर मैंडेटरी करना चाहिए कि वो जो इंसान जो भी डॉक्टर बनना चाह रहा है जो भी एस्पिरेंट है तो वो 1 साल जाके गाँव में भी जो है सर्विसेज दे, ठीक है, स्टार्टिंग उसके ट्रेनिंग पीरियड या जैसे वो MBBS कंप्लीट करता है तो मैंडेटरी उसका 1 साल जो है गांव में या रूरल एरिया में उसकी पोस्टिंग करनी चाहिए ताकि वहाँ के चीज़ों को समझ सके, वहाँ की प्रॉब्लम समझ सके और लोगों को जो है काफ़ी इससे इजाद मिल सके, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं पूरा इसके अंदर जो मेडिकल रेगुलेटिंग प्राइवेट हॉस्पिटल से रिगार्डिंग जो आर्टिकल आया था। तो मैंने आपको तीनों बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। आप इसका क्या कीजिए, जब पढ़ते हैं तो नोट्स बना लीजिए, कुछ नहीं 10 ही लाइनों के नोट्स बनाने हैं, ज़्यादा नहीं बनाने, सिर्फ जो आपको इशू बता लिखना है, डिटेल नहीं लिखनी, सिर्फ इशू लिखना है, और जब दिमाग में आप रिमाइंड करेंगे तो सब चीज़ें आपको आ जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर इस पार्ट में इतना ही था, कल फिर नेक्स्ट संडे मिलेंगे इसी से रिगार्डिंग राज्यसभा की जो वीडियोज़ हैं। इसके अलावा मैंने एनवायरमेंट की वीडियोज़ भी बना दी है, रोज़ आपको एनवायरमेंट की सीरीज़ भी मिलती रहेगी। अब इसके अलावा NCERT का कोर्स बनाया था, अभी उस पर मुझे ज़्यादा रेस्पॉन्स मिला नहीं, जो MCQs थे, अगर वो रेस्पॉन्स आएगा तो फिर उसके बाद उसको कंप्लीट करके हम 8th क्लास की ज्योग्राफी की NCERT को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स भी धीरे धीरे आपको टाइमली देता रहूँ। द हिंदू का कोर्स तो हमारा रोज आ ही रहा है, तो उसको देखते रहेंगे तो आपकी जो है नॉलेज सप्लीमेंट होती रहेगी और इतना ज़्यादा आपको नॉलेज हो जाएगी किसी भी क्वेश्चन के आप लिख सकते हैं। देखिए जब मैं बताता हूँ, जब मैं मेंस लिख रहा था तो इतना टाइम रहता नहीं है आपके पास सोचने का, तो आपको क्या एक चीज़ों की अगर 6 5 6 भी डायमेंशन पता है, 3 4 भी डायमेंशन पता है तो आप पूरा आंसर लिख पाते हैं, क्योंकि 10 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आपको बहुत डिटेल नहीं लिखना होता। यानी कि आप किसी भी एक टॉपिक को जैसे हेल्थ से रिगार्डिंग, तो आप एक एक पॉइंट करके जो है 10 इश्यूज को हाईलाइट कर दीजिए उसके अंदर, बस वही है जरूरी है, उसको पूरा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एनालिटिकल आप नहीं पढ़ेंगे तो ये इश्यूज आपको याद नहीं आएंगे, तो इसलिए जो है एनालिटिकल हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरा इश्यूज है और 20 क्वेश्चन लिखने यानी कि 3 घंटे में इतना आसान नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप पढ़े हुए होते हैं तो डायमेंशंस आपके पास आती है, इसलिए मैं राज्यसभा के कोर्स आपके लिए स्टार्ट किया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।